नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन हम बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसके ऊपर ही बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी ओर लाएंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। 3 का 1 कर लिया, फिर ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी ओर लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन दूसरी तरफ करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में ऊपर से लपेट के ऐसे लाएंगे, फिर 3 फंदे को एक साथ लेके 3 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 का 1 किया, यानी 2 फंदा घट गया। एक यहाँ जाली देने से एक फंदा बढ़ जाएगा और ये दूसरा जब ऐसे ऊपर से लपेट के लाएंगे तो ये दूसरी जाली बन गई और वापस हमारा 3 का 3 हो गया। अगला फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में ऊपर से ऐसे लपेट के लाएंगे, फिर 3 फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर ऊन सिलाई में लपेट के लाएंगे, एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे। ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में लपेट के ऊपर से ऐसे लाएंगे, देखिए ये ऊपर से ऐसे लपेट के लाएंगे, 3 फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का 1 कर लेंगे, फिर ऊन सिलाई में लपेट के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड तीसरी लाइन पहली लाइन की ही तरह बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में लपेट के लाएंगे, 3 फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में लपेट के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ऊन अपनी ओर करना है, अगला फंदा उल्टा, ऊन सिलाई में लपेट के आगे लाएंगे, 3 फंदे को एक साथ लेंगे, 3 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर ऊन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, एक फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, 3 फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर ऊन सिलाई में लपेट के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ये एज स्टिच है और इन 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले 3 फंदा सीधा बुना था, अब इन 3 फंदों को एक साथ लेके उल्टा फंदा बनाया जाएगा और ये फंदा जो उल्टा बुना जा रहा है वो हमेशा कॉमन रहेगा। यानी ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा,
फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे। ये देखिए, ये तीन फंदा हमने सीधा बुना था, तो इस लाइन में इन तीनों फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तीन का एक किया, यहाँ एक जाली पड़ा है यानी दो फंदा हो गया, और तीसरा फंदा से ऊपर से लपेट के लाएंगे तो ये तीसरा फंदा हो जाएगा। अगला फंदा उल्टा, यहाँ पे हमने देखिए जाली बनाया था, तीन का एक किया था, दोनों साइड में जाली है, तो इस लाइन में इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। और इन तीन फंदों को हमने सीधा बुना था और ये दो साइड वाले उल्टे फंदे हैं, तो उल्टे फंदे को उल्टा फंदा ही बुनेंगे, फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे और इन तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, और ये देखिए पिछली लाइन में हमने यहाँ पे तीन का एक किया था, तो इस लाइन में इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे पांच फंदा सीधा आएगा, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड सेवेंथ रो फिफ्थ रो की तरह ही होगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा। इन्हीं आठों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ये फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। नाइन्थ रो से पहली लाइन फिर से शुरू हो जाएगा, यानी पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं आठों लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।